ये जो LIC कंपनी है इसका पैसा अदानी जी की मदद करने के लिए क्यों डाला जा रहा है? अदानी जी ने बीजेपी को पिछले 20 साल में कितने पैसे दिए हैं? प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और जादू से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया $1 बिलियन लोन अदानी जी को पहले अदानी जी के हवाई जहाज में मोदी जी जाते थे, अब मोदी जी के हवाई जहाज में अदानी जी जाते हैं, वो भी अदानी जी के हवाले कर दी गई, अदानी जी ने एक्वायर कर लिया। तो आपने देखा कि एयरपोर्ट्स का बिजनेस 30% मार्केट शेयर, हिंदुस्तान और इसराइल का जो वेपन्स का बिजनेस है 90% उठा के ले गए, एक विजिट फॉरेन पॉलिसी, ये है फॉरेन पॉलिसी। चलिए, अब मैंने आपको इसराइल की बात बताई, ऑस्ट्रेलिया चलते हैं, कोयला ऑस्ट्रेलिया चलिए। ऑस्ट्रेलिया में अदानी जी जाके क्यों आपको डिबेट करना चाहते थे, आप ही तो डिबेट करना चाहते थे, आपने बोला था कोई भी विषय पे डिबेट हो तो हो गया आप डिबेट, अब क्यों डर रहे हो डिबेट से, अब क्यों डर रहे हो डिबेट से, अदानी जी का क्यों डर रहे हो, जब हमने जेपीसी की मांग की आपने बोला सदन में उठाओ, अब क्यों डर रहे हो, अब क्यों डर रहे हो, आप क्यों डर रहे हो, आप चर्चा से क्यों डर रहे हो, चर्चा से डर रहे हो आप। अब सुनना पड़ेगा, अब सुनना पड़ेगा, अब सुनना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया जाते हैं प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, इज गॉट यील्डिंग, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कैब नंबर बताए 369 सर, ये क्या 369 सर, ये देखिए पूरा सरकार सर, मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि GMR और GB के उसको कब एयरपोर्ट का जो है संचालन का अधिकार था और कौन सा रूल है वो कोर्ट करे सर, इस रोल के आधार पर ये इनको मैं चैलेंज करता हूँ, पूरी कांग्रेस पार्टी को चैलेंज करता हूँ कि GMR और GBK को कौन सा एयरपोर्ट चलाने का लाइसेंस जब दिया तो उनको उसका नॉलेज था, मैं चैलेंज करता हूँ पूरी कांग्रेस पार्टी को। जब इन्होंने बिरला को बनाने का दिया, डालमिया को बनाने का दिया, टाटा को बनाने का दिया लाइसेंस, उस वक्त उनको कौन सा मोटर चलाने का अधिकार था सर, ये गलत बयानी कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि आप एलिगेशन प्रधानमंत्री को पर लगा रहे हैं, आप पेपर दीजिए और कौन सा रूल भारत सरकार ने चेंज किया एयरपोर्ट में अडानी के लिए, वो ऑथेंटिकेट कीजिए, नहीं तो इस तरह की बात नहीं कर सकते। ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा राहुल गांधी जी, आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं बोल सकते हवा में, आप हवा में बोल रहे हो और प्रधानमंत्री जी पे आरोप लगा रहे हो, आपको ऑथेंटिकेट करना ही पड़ेगा, आप ऐसे ही बोल रहे हो GMR कार्ड GBK के सभी रूल, हाँ कहा था रूल, कोई रूल नहीं था आपको, यू हैव टू ऑथेंटिकेट, और ऑथेंटिकेट करके ही रखना पड़ेगा आपको, पहले 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 रखिए और उसके बाद आगे बात करने देंगे, नहीं तो माफी मांगिए देश से, आप प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगा रहे हैं सर, बोलने दीजिए, अनाप शनाप आरोप लगा रहे बिना किसी डॉक्यूमेंट का आरोप लगा रहे प्रधानमंत्री जी पे, रूल 353 सर, रूल चित्रित किया है सर, नो एलिगेशन ऑफ डिफामेटरी और इनक्रिमिनेटरी नेचर शैल बी मेड अनलेस यू हैव गिवन नोटिस,
छोड़िए, वो तो प्रधानमंत्री के खिलाफ एलिगेशन लगा रहे हैं बिना नोटिस दिए, बिना कोई डॉक्यूमेंट दिए। सर ये रिकॉर्ड पर नहीं जाना चाहिए सर, ये बिल्कुल रूल का उल्लंघन है। और क्या क्या बातें वो कह रहे हैं सर, मैं उसको रिपीट नहीं करना। रेकलेस एलिगेशन, बेसलेस एलिगेशन, इन वायलेशन ऑफ रूल्स, सर ये स्वीकार नहीं होना चाहिए। बोले नहीं स्पीकर, गलत तरीका है। राहुल गांधी जी आप बोल, नहीं नहीं गलत तरीका है। क्या देश को संदेश देना चाहते हैं आप, क्या संदेश देना चाहते हैं देश को? राहुल गांधी जी, ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री जाते हैं, आप बोलिए सर। स्पीकर सर, प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और जादू से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया $1 बिलियन लोन अदानी जी को मोदी जी, आपका सरकारी पास है सदीप प्लीज। उसके बाद मैं उदाहरण दे रहा हूं, पूरी दुनिया में मोदी जी जाते हैं घूमते हैं तो मैं बता देता हूं क्या होता है वहां पे। बांग्लादेश में गए, हाँ हाँ काम पे ही जा रहे हैं, वही तो बोल रहा हूं, काम पे जा रहे हैं। बांग्लादेश जाते हैं, मोदी जी की पहली ट्रिप होती है बांग्लादेश में, वहां पे बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी बेचने का डिसीजन लिया जाता है। कुछ ही दिन बाद बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट अदानी जी के साथ साइन कर देता है, 1500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्ट्रैक्ट अदानी जी। चलिए वहां से श्रीलंका चलते हैं। June 2022 में चेयरमैन ऑफ श्रीलंका सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड MMC फर्नांडो इन्फॉर्म्ड ए पार्लियामेंट्री कमेटी इन श्रीलंका इन ओपन हियरिंग दैट ही वॉज टोल्ड बाय प्रेसिडेंट राजापाक्सा दैट PM मोदी प्रेशर्ड हिम टू गिव द विंड पावर प्रोजेक्ट डायरेक्टली टू मिस्टर अदानी। मतलब श्रीलंका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन कहते हैं कि उन्होंने राजापाक्सा जी ने कहा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उनको कहा है कि ये विंड पावर का प्रोजेक्ट है, ये अदानी जी को देना है। तो ये रही आपकी फॉरेन पॉलिसी, ये हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी नहीं है, ये अदानी जी की फॉरेन पॉलिसी है, उनके बिजनेसेस बनाने की फॉरेन पॉलिसी है। अब यात्रा में मुझसे दो तीन और सवाल पूछे गए। यात्रा में लोगों ने मुझसे पूछा, राहुल जी ये जो LIC कंपनी है इसका पैसा अदानी जी की मदद करने के लिए क्यों डाला जा रहा है? उन्होंने यह भी पूछा कि अदानी जी के जो शेयर्स हैं बड़े वोलेटाइल हैं, उसमें LIC का पैसा क्यों डाला जा रहा है? तो मेरा कहना है कि अदानी जी की मदद प्रधानमंत्री जी और हिंदुस्तान की सरकार कैसे करती है? हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर बैंक्स अदानी जी को मिलता है, 27,000 करोड़ रुपए SBI, PNB 7,000 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा 5,500 करोड़, ये मैं लिस्ट चलती जाएगी। LIC का एक्सपोजर 36,000 करोड़ रुपए, 3 करोड़ SBI एंड अदर
PSU bank holders' money is going to Mr. Adani and to finance. Now, of course, there is another question. तो मदद कैसे हो रही है? हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर बैंक्स का पैसा, LIC का पैसा नरेंद्र मोदी जी, अदानी जी को दिया जा रहा है। अगर कोई सामने खड़ा हो जाता है, जैसे जीवी के लोग खड़े हुए, ईडी सीबीआई एजेंसीज आ जाती है, उनको परे कर देती हैं। तेलंगाना में भी एक पोर्ट का उदाहरण था, आंध्रा सॉरी। मगर मेन सवाल और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल दूसरा है। कुछ दिन पहले यह हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, उसमें लिखा था कि अदानी जी की हिंदुस्तान के बाहर शेल कंपनीज हैं। ये जो शेल कंपनीज हैं, सबसे पहला सवाल है, ये हैं किसकी? ये किसकी है मॉरिशस में जो शेल कंपनीज हैं? और ये जो हजारों करोड़ रुपया ये शेल कंपनीज हिंदुस्तान में भेज रही हैं, ये किसका पैसा है? और क्या ये काम अदानी जी फ्री में कर रहे हैं? अब मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि अदानी जी स्ट्रेटेजिक बिजनेसेस में काम करते हैं। अदानी जी हिंदुस्तान के पोर्ट्स को डोमिनेट करते हैं, अदानी जी हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स को डोमिनेट करते हैं, और जैसे मैंने कहा, अदानी जी हिंदुस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री में बहुत जरूरी रोल प्ले करते हैं। तो मेरा पहला एक छोटा सा सवाल है कि जो शेल कंपनीज हैं, इनके बारे में हिंदुस्तान की सरकार ने कोई सवाल नहीं उठाए? ये कौन लोग हैं? ये किनकी कंपनीज हैं? ये स्ट्रेटेजिक मामला है, पोर्ट्स का मामला है, एयरपोर्ट्स का मामला है, डिफेंस का मामला है, और जो कंपनी इन स्ट्रेटेजिक एरियाज में काम कर रही है, उनके बारे में आपको मालूम ही नहीं? ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, आपको मालूम ही नहीं कि ये शेल कंपनीज किसकी हैं, कितना पैसा आ रहा है, किसका पैसा आ रहा है? तो एक बहुत बड़ा सवाल है, ये पैसा किसका है, ये शेल कंपनीज किसकी हैं, और ये हिंदुस्तान की सरकार की जिम्मेदारी है ये पता लगाना, ये किसकी शेल कंपनीज हैं और ये किसका पैसा अंदर आ रहा है। जेपीसी, वी वांट जेपीसी, वी वांट जेपीसी। अच्छा अब चलिए छोटा सा बजट के बारे में बता देता हूं। 2022 में अदानी जी अनाउंस करते हैं कि वो $50 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे टू बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम। और इस बजट में बीजेपी की सरकार, निर्मला सीतारमण जी कहती हैं, हम ग्रीन हाइड्रोजन के लिए बहुत ह्यूज इंसेंटिव्स देंगे। 19,700 करोड़ रुपए हम ग्रीन हाइड्रोजन के लिए देंगे, मतलब अदानी जी को देंगे। जुगलबंदी, जुगलबंदी। बजट में अदानी जी के लिए 50 नए एयरपोर्ट, कोस्टल शिपिंग, हॉर्टिकल्चर, ग्रेन स्टोरेज, ये सब काम आप कर रहे हैं। तो मेरे सिर्फ कल प्रधानमंत्री जी आज कल भाषण देंगे, मेरे उनसे 2-3 छोटे से सवाल हैं। मेरा प्रधानमंत्री जी से 2-3 सवाल है। पहले अदानी जी के हवाई जहाज में मोदी जी जाते थे, अब मोदी जी के हवाई जहाज में अदानी जी जाते हैं। पहले लोकल मामला था, फिर नेशनल मामला हो गया, उसके बाद इंटरनेशनल मामला हो गया। अदानी जी के लिए बोरिस जॉनसन का बेटा काम करता है, आपको पता नहीं, मालूम है या नहीं मालूम? भाई काम करता है। तो ये मामला पहले गुजरात का मामला था, फिर ये हिंदुस्तान का मामला हुआ, अब ये इंटरनेशनल मामला हो गया है। तो मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी से, और सिंपल सवाल है,
प्रधानमंत्री जी आपकी फॉरेन ट्रिप्स पे अदानी जी और आप कितनी बार एक साथ गए? अदानी जी हाउ मेनी टाइम्स डिड यू ट्रेवल टुगेदर विद अदानी जी? हाउ मेनी टाइम्स डिड अदानी जी ज्वाइन यू लेटर ऑन अ विजिट? हाउ मेनी टाइम्स डिड अदानी जी ट्रेवल टू अ कंट्री इमीडिएटली आफ्टर यू डिड? एंड इन हाउ मेनी ऑफ दीज कंट्रीज आफ्टर यू विजिटेड डिड अदानी जी गेट अ कॉन्ट्रैक्ट? ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूरी सवाल, अदानी जी ने बीजेपी को पिछले 20 साल में कितने पैसे दिए हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कितना पैसा दिया है? देड़ा, देड़ा।